खबर जयपुर से, जहां कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां करोड़ों रुपए का सट्टा पकड़ लिया है। मुहाना थाना और चित्रकूट पुलिस थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 10 सटोरियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों से 2 दर्जन मोबाइल, LCD टीवी, आधा दर्जन लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी साथ ही बरामद कर लिया गया है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 10 सटोरियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं और लगातार पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी बरामद कर लिया गया है और कई राज्यों से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं इन आरोपियों के, जिससे लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सट्टा लगाते 10 आरोपियों को साथ ही गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए लवीना, की जिस तरीके से लगातार जो आईपीएल मैच चल रहे हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार इन बदमाशों पर धरपकड़ के लिए को लेकर के कार्रवाई कर रही है। और उसी के तहत यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच टीम है उसने भी यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ पर 2 अलग अलग जगह पे कार्रवाई की है और करीब 10 से ज्यादा जो बदमाश है, जो सटोरी है, उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने इनसे जो करोड़ों रुपए का जो हिसाब किताब है वो बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान जब पुलिस पहुंची थी दोनों थाना, एक चित्रकूट थाना इलाका, इसके अलावा मुहाना थाना इलाका, जब वहां पर दबिश दी तो वहां पर जो सटोरी थे वो आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए नजर आए। इस पर पुलिस ने दबिश देते हुए यहाँ पर मौके से करीब 1-1.5 दर्जन के करीब जो है ना मोबाइल है वो बरामद किए हैं। इसके अलावा जो LCD टीवी है, आधा दर्जन लैपटॉप है, इसके अलावा सट्टा लगाने वाले जो उपकरण है वो भी यहाँ से बरामद किए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है इन तमाम जो सटोरियों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें सामने आया है कि इन सटोरियों के तार है दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हरियाणा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, इन सभी राज्यों से इनके जो तार है वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम है जो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल यहाँ पर लवीना यादवेंद्र, हम देख रहे हैं कि आईपीएल के चलते लगातार सट्टे पकड़ने की भी अब कार्रवाई जारी है, तो इसी के चलते क्या कहीं और भी प्रभावी कार्रवाई देखी जा सकती है? देखिए लवीना, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों भी यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी और करीब यहाँ पर 100 के आसपास जो है ना मोबाइल बरामद किए थे और करीब यहाँ पर 4 से 5 दर्जन जो सटोरी थे वो यहाँ पर से उनको गिरफ्तार किया था। जब उस सटोरी से पूछताछ हुई है तो उसमें सामने आया है कि यहाँ पर इनका जो पूरा नेटवर्क है पूरे जयपुर शहर के अंदर फैला हुआ है और ये अलग अलग इलाके में जाकर के यहाँ पर ये जो फ्लैट किराए पर रहकर के यहाँ पर सट्टे का जो कारोबार है वो चला रहे हैं। यहाँ तक कि सीकर जो इलाका पड़ता है, बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों से उनके तार जुड़े थे। जब पुलिस ने वहां पर दबिशी तो उनसे सूत्रों से जब यहाँ पर जानकारी मिली तो मुखबिर से यहाँ जानकारी मिली तो उसके बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने वापस से कार्रवाई की है और उसके बाद ये जो दो कार्रवाइयां हुई है ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पर क्राइम ब्रांच टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और जो सट्टे का जो कारोबार चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने वो कसा है। यहाँ पर यादवेंद्र, और क्या खुलासा हो पाया है जयपुर के लिए और किन जगहों पर ये सट्टे का कारोबार करते हैं? देखिए मैं बता दूं कि लवीना की अब बीते दिनों यहाँ पर जब क्राइम ब्रांच की टीम थी, जो कमिश्नरेट की जो टीम थी, वो लगातार इन सटोरियों पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि आईपीएल के मैच चल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो तमाम जो सटोरी जो 4 दीवारी के भीतर जो किराए पे रहकर के फ्लैट लेकर के रहते थे उन सभी इन सटोरियों ने अपना जो अड्डा है वो चेंज कर लिया और बाहरी जो इलाके पड़ते हैं जो हाईवे से जुड़ते हैं उन तमाम इलाकों पर जाकर उन्होंने अपना सट्टे का जो नेटवर्क है वो बढ़ा लिया वहां पर। और अभी बीते दिनों यहाँ पर SOG ने भी कार्रवाई की थी तो कहीं ना कहीं उनसे इनपुट मिला, उसके बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है और उसके बाद ये सट्टा खेलने वाले जो खिलाने वाला जो गिरोह है उसको यहाँ पर भंडाफोड़ करते हुए इन तमाम जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तमाम आरोपियों ने अपने जो अलग अलग जगह अड्डे बना रखे हैं लेकिन क्राइम ब्रांच किसी भी टीम में किसी भी सूरत में यहाँ पर है जो इन सटोरियों को बख्शने के मूड में नहीं है और हर पल पर इनकी जो तमाम जो गतिविधियां हैं उन पर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। नतीजा यही है कि आज 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात ये पूरी कार्रवाई चली है, उसके बाद यहाँ पर तमाम सटोरियों को चला करके यहाँ पर पूछताछ की है। लाल सबसे बड़ी सफलता यहाँ पर लगी ना ये तब कही जाएगी कि जो इनका जो तार है वो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, जयपुर कमिश्नर की जो टीम है, वो दूसरे राज्यों में जाकर के जब इन पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करेगी उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को सफल माना जाएगा। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जो फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ और जिन्होंने बताया कि जयपुर से बड़ी खबर, जहां कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने सट्टा लगाते 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।